इस वक्त हम जिस सड़क पर मौजूद हैं, मेरे पीछे जो आप सड़क देख सकते हैं, ये रांची और खूंटी जिले को जोड़ती है। सड़क देखने में बेहद आम है, लेकिन इस सड़क पर जो कल रात 3 बजे जो घटना हुई, उसने पूरे झारखंड राज्य को झकझोर कर रख दिया। एक महिला दरोगा 2018 बैच की तुपुदाना थाने में जो पदस्थापित थी, जो महिला दरोगा, उनको गौ तस्करों ने छापेमारी के दौरान, जिस दौरान वो वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी, गौ तस्करों ने निर्मम तरीके से धक्का मारकर उनकी हत्या कर दी। हम उस जगह पे आपको दिखा रहे थे, और ये है वो तुपुदाना थाना क्षेत्र का वो थाना स्थल। यहाँ से महज थोड़ी दूर पर महिला दरोगा की वाहन जो सवार जो तस्कर थे, उन्होंने धक्का मारकर हत्या कर दी। अब हम आपको उस गाड़ी को दिखाते हैं। इस गाड़ी को आप देखिए, यही वो गाड़ी है। इस गाड़ी का आप नंबर आप देख सकते हैं। और कोई मीडिया से बात करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। अगर बात करें, जब हमने इस गाड़ी के नंबर की तहकीकात की, तो ये गाड़ी जो है वो किसी शाहिद अंसारी के नाम से रजिस्टर्ड है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी ने जब धक्का मारकर, जब जिस धक्के से महिला दरोगा की हत्या हो गई, तो आप देख सकते हैं कि टायरों का क्या हाल है। वहीं दूसरी हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देखिए कि गाड़ी पर ये खून के छींटे, ये खून के जो धब्बे हैं, ये उसी महिला दरोगा की हो सकती है। और दूसरी एक और तस्वीर दिखा रहे जो बेहद अहम है। गाड़ी पर जब घटना हुई, जब वो तस्कर धक्का मारकर, ऐसा हम बता सकते हैं कि जब भाग रहे होंगे, तो पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, और गाड़ी पर 2 गोलियों के निशान, ये निशान बतलाने के लिए काफ़ी हैं कि पशु तस्करों के मनोबल किस प्रकार से बढ़ गए हैं। और गाड़ी के अंदर का आप नज़ारा देखिए। ये साक्ष्य बताते हैं, गाड़ी में जो ये गोबर है, इससे पता चलता है कि इसमें पशु मौजूद थे। देशवा न्यूज़ लगातार झारखंड की तमाम बड़ी छोटी घटनाओं से आपको रूबरू करा रहा है। देशवा न्यूज़ के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। देशवा न्यूज़ पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।